अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर सेकंड, कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जिसमें मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट्स होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सिंपली अगर हम ये कहा जाए कि दो सब्सटेंस विच कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सिर्फ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं। एक्सप्लेनेशन, कार्बन, कार्बो मीन कार्बन, हाइड्रेट मीन वाटर, मीन हाइड्रेटेड कार्बन। द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट हैव सेम रेशियो एज इन वाटर। जिस तरह पानी में दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में भी दो हाइड्रोजन होते हैं और एक कार्बन होता है, 2:1। देयर फॉर दे आल्सो कॉल हाइड्रेटेड कार्बन। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स अकर एबंडेंटली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द सेल्स। एबंडेंट मीन्स ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और इवन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल के हर पार्ट्स में ये प्रेजेंस होता है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। जिस तरह नाम से जाहिर है, मोनो, मोनो मीन वन, डाई मीन टू, पॉली मीन मैनी। मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स मीन वन या सिंगल, सैकरम शुगर। अब मोनो मीन वन और सैकरम मीन शुगर। Those carbohydrates which consist only one sugar unit is called monosaccharides. They are soluble in water and most have the sweet taste, that is glucose, lactose and fructose. Monosaccharides ज़्यादातर पानी में हल होते हैं। They are soluble in water और एक units of sugar presence होता है, जिसका examples है glucose, lactose and fructose है। इसके बाद है disaccharides, diamine 2, डबल सैकेराइड्स। दीज आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दे आर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स। द यूनिट्स, द टू मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। अब दो यूनिट्स ऑफ शुगर जब कंबाइन होते हैं तो ये मोनोसैकेराइड्स बनाता है। अब ये दो यूनिट्स जब कंबाइंस हो गए तो इसके दरमियान एक बॉन्ड्स बनेगा और उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। उसके बाद है पॉलीसैकेराइड्स, पॉली मीन मेनी, सैकेराइड शुगर। दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर फॉर्म्ड बाय, विच आर फॉर्म्ड ऑफ मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड, जिसका एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा। जब 10 से ज़्यादा यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर कंबाइंस होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड, जिसका एग्जांपल है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। अब कुछ इम्पोर्टेंट मोनोसैकेराइड्स है जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज आता है। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड, इट इज़ कॉल्ड ग्रेप शुगर। इट अकर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। इट इज़ द मेन शुगर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द यूरिन ऑफ नॉर्मल पर्सन, बट इन द यूरिन ऑफ डायबिटिक्स पर्सन इट इज़ प्रेजेंट। ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड है, शुगर का एक यूनिट इसमें प्रेजेंट होता है। ग्रेप शुगर का मतलब है कि अंगूरी मिठास यह रखता है। उसके बाद है वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर। ये नेचर में, यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी में भी ज़्यादा है लेकिन नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता है। अब
इसकी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं। अगर ब्लड में 180 mg पर डीएल ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए फास्टिंग में, तो इस 180 mg पर डीएल ग्लूकोज अगर ग्लोमेरुलस कैप्सूल में जाए और उससे ज़्यादा हो, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। 180 से जैसे ही ज़्यादा होता है ग्लूकोज लेवल ग्लोमेरुलस कैप्सूल में जब ब्लड जाता है उधर, तो फिर ये यूरिन में पास आउट होता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि नॉर्मल पर्सन का यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में भी यही फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इससे अगर लेवल 180 mg पर डीसीलीटर से अगर बढ़ जाए तो डिटेक्ट होगा। उसके बाद है फ्रक्टोज। इट इज़ अ मोनोसैकेराइड, सेमिनल फ्लूइड, हैज मच अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज, इट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम स्पर्मेटोजोआ एंड सीमन। फ्रक्टोज क्या है, ये भी मोनोसैकेराइड है, 1 यूनिट ऑफ शुगर प्रेजेंट होता है इसमें, और ये ज़्यादातर जो इसका मोस्ट फंक्शंस है, मोस्ट बेनिफिशियल है बॉडी के लिए, तो वो स्पर्मेटोजोआ को एनर्जी देता है ये। उसके बाद है लैक्टोज। इट इज़ अ मोनोसैकेराइड, इट्स मेनली अकर इन लैक्टोज विद ग्लूकोज, इट इज़ यूटिलाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन टिश्यू। ये भी मोनोसैकेराइड है, 1 यूनिट ऑफ शुगर इसमें प्रेजेंट होता है, और ये मेनली लैक्टोज में प्रेजेंट होता है और यूटिलाइज करते हैं ब्रेन टिश्यू, मोस्टली ब्रेन टिश्यू इसको यूटिलाइज करते हैं, और लैक्टोज ये मिल्क में ज़्यादा पाया जाता है। थैंक यू।